सेकेंड क्वेश्चन इज दिस. अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 10 आवर्स. गिवेन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी 1 किलोमीटर पर आवर, वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर एंड डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स. ओके, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम आर एस अग्रवाल, क्लास 8, लीनियर इक्वेशन. तो इस तरह के क्वेश्चन में समझना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है. यदि समझ में आ गया देन दिस इज एक्चुअली प्रिटी इजी, सॉल्यूशन इज प्रिटी इजी. सो यू सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद लाइक वी हैव द वर्ड्स डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? व्हेन द शिप लाइक आई हैव ड्रॉन इट ए, दिस इज द स्टीमर एंड दिस इज द स्ट्रीम. द स्ट्रीम इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन दिस डायरेक्शन. If steamer is also going in the same direction, this is called downstream, which is taking 9 hours for the steamer. Upstream is opposite of the stream because stream is always going this way, but steamer has to go upstream, okay, from B to A. Okay, and upstream is taking 10 hours. So ये तो समझ में आ रहा है ना? Because when the steamer is going downstream, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज ऑल्सो हेल्पिंग, है ना? स्ट्रीम भी उधर ही जा रहा है, स्टीमर भी उधर ही जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है. जबकि अप स्ट्रीम में दोनों का स्पीड माइनस हो जाता है बिकॉज स्ट्रीम इज गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो स्टीमर का स्पीड ऑब्वियसली क्या होगा? नेगेटिव, मतलब कम हो जाएगा. ओके, तो आपको समझ में आ गया वॉट इज डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम इज वेन अ स्टीमर और अ बोट इज गोइंग विद द स्ट्रीम. ओके, सो स्पीड विल बी एडेड अप. एंड अप स्ट्रीम विल बी वेन इट इज गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, सो स्पीड विल बी माइनस. सो दिस इंफॉर्मेशन वी हैव बीन गिवन. वी विल स्टार्ट बाय टेकिंग, लेट्स से स्पीड ऑफ द स्टीमर बी एक्स किलोमीटर पर आवर. ओके, मूविंग ऑन. ओके, एंड तो स्पीड ऑफ स्टीमर क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम के समय में? टाइम इज गिवन 9 आवर्स. ओके, तो स्पीड विल बिकम एक्स प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, है ना? बिकॉज स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्टीमर विल बी एडेड. डाउन स्ट्रीम में टाइम इज गिवन 10 आवर्स, तो स्पीड ऑफ बोट विल बी ऑब्वियसली माइनस एक्स माइनस 1 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो यू सी वी हैव बीन गिवन विथ टाइम एंड वी हैव स्पीड. ओके, इवन इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल, बट वी हैव टाइम एंड स्पीड. सो वॉट वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इंटू टाइम. सो आई राइट हियर अगेन, डिस्टेंस इक्वल्स x प्लस 1 इंटू 9. ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस, 9x प्लस 1. सिमिलरली डिस्टेंस फॉर दिस विल बी 10 इंटू x माइनस 1, बिकॉज टाइम इज गिवन 10 आवर्स. सो दिस कैन बी रिटन 10x माइनस 1. So now we have this data. We have the distance up downstream and the distance upstream. Okay, but according to question, these both distance are same. And now the question says the same distance is covered downstream in 9 hours and upstream in 10 hours. So can we say this distance is also equal to this distance? So that's all according to question. 9 into x plus 1 equals 10 into x minus 1. We will solve this. Pretty easy linear equation. When we solve this, we get x equals 19 kilometer per hour, which is our answer. If still you have any question, post it. So we got speed of the steamer in still water.
Now the question also asks distance between the poles. So for distance we have two equations. First is 9x into x plus 1 and second is 10 into x minus 1. You can put the value of x in any of this and you will get the answer. Okay, so let's try that. So distance equals, I have taken the second equation, 10 into x minus 1. I put the value of x, which is 19 here. What do we get? 10 into 18. So this is 180 kilometer. Answer. Okay, that's all.